आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग जो होने वाला है वो स्टडी ब्लॉग होने वाला है। होप यार आपको इंटरेस्टिंग लगेगा आज का ब्लॉग। तो मैं आपको पूरा प्लानिंग दिखाऊंगा, किस प्लानिंग के साथ मैं अपनी स्टडी करता हूँ एग्जाम के पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे दिन का प्लान कर लेता हूँ कि कैसे कैसे मैं स्टडी करने वाला हूँ। तो फाइनली यार जो मेरा टाइम टेबल है वो बन चुका है, आप देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ जिससे कि मेरे को दिखता रहे टाइम टू टाइम। परफेक्ट, आई थिंक ढंग से ये लग चुका है यहाँ पर। और अभी जो मैंने टाइम टेबल बनाया है इसको बनाने में कम से कम मैंने 5 से 7 मिनट का टाइम लिया है। और काफी बढ़िया से प्लान किया है आज के दिन को, क्योंकि संडे आज पूरा बढ़िया से आज के दिन को यूटिलाइज करना है। और 2-3 काम और भी है मेरे को, मार्केट में बाहर भी जाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा सिनेमैटिक शॉट जो होगा बाहर से ले लूं। उससे पहले अभी मेरा जो मन है स्वीट्स खाने का मन कर रहा है, तो पहले मैं स्वीट्स खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे क्या दिखाता हूँ प्रोसीजर कैसे कैसे करने वाला हूँ। अभी आया था मैं स्वीट्स लेने, लेकिन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि पूरे दिन में मैं एक ही खाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मेडिकल मेरा चल रहा है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा लूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ कि कौन सा मैं खाने वाला हूँ। तो मेरे को लग नहीं रहा है कि यार ये सारे मैंने खा चुके हैं। गिरिया, कोई बात नहीं, बट आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा न्यू ट्राई करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। मेरे मोस्ट प्रोबेबली इसमें यार मिल्की कलर है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो कैसे हो गाइस, तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद सीधा मिलेंगे स्टडी करते हुए। तो सबसे पहले इसको रैपर को हटाने के लिए मैं छोटे बड़े की मदद लूंगा। तो इसके रैपर को हम हटाते हैं सबसे पहले, जानवर की तरह इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। तो इसकी अनबॉक्सिंग ही नहीं, मैं इसको खा के भी बताऊंगा क्या रिव्यू है इसका, सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। कुछ मिल्क केक था मेरा जो गैसिंग था वो बिल्कुल सही निकला। तो मैं अब इसको बताता हूँ आपको कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं व्हाइट वाले पोर्शन को खाने जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कैसा है ये। काफी सही है। अब जो है ब्लैक पोर्शन को मैं खा के थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ कि मेरा जो टेस्ट बर्ड्स है वो न्यूट्रल हो जाए। ब्लैक पोर्शन है इसका भी काफी बढ़िया टेस्ट होता है, दोनों का अलग सिमिलर नहीं होता, मतलब कि थोड़ा थोड़ा अलग सा होता है। तो मेरे को ब्लैक वाला पोर्शन काफी बढ़िया लगा व्हाइट वाले कंपेयर में। तो ऐसा नहीं मिलता है कि यहाँ पर ब्लैक वाला अलग ले लो व्हाइट वाला अलग, दोनों कॉम्बिनेशन में मिलेगा आपको। तो गुड था, सही था। तो अभी यार मेरे जो टाइम टेबल में 3rd यूनिट कंप्लीट करने को लिखा है, कंप्लीट नहीं ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरे को 2 घंटे बैठना पड़ेगा अपने स्टडी पे। तो 2 घंटे मैंने प्लान कर चुका, अपना माइंड सेट बना चुका हूँ कि 2 घंटे बैठ के पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं अपने एम्बेसडर को चालू करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, तो मैं नोट्स के भी नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि मेरे को पेपर में काफी ज्यादा हेल्प हो। We'll be right back.
अभी मेरा एक टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट डन है, उस पर अभी 1-2 घंटा वर्क करना बाकी है, उसके बाद मेरा पूरी तरह से 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी यार मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ पर स्टॉप करके 3 काम के लिए जा रहा हूँ, पहला खाना बनाना, दूसरा नहाना, तीसरा खाना। तो यार इसके बाद फिर से मैं दूसरे टास्क के साथ मिलूंगा, दूसरा टास्क था हमारा रिविजन करना 2nd और 1st यूनिट को, तो उसके साथ मिलूंगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ जो 3 टास्क आपको बताया वो फुलफिल करने, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है वो 11:13 हो गया है, तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने खाना भी नहीं बनाया, तो उसे भी बनाना पड़ेगा, तो आज खाना भी है। तो यार अभी नहाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सनबात लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में काफी बढ़िया धूप हो रखी है, तो सनबात लेते हैं पनीर के साथ। अभी आ चुका हूँ मैं नीचे, क्योंकि ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग या फिर असहनीय धूप थी, तो इसलिए मैं नीचे आ गया। और तो अभी जो मेरा रेस्ट होता काम बाकी था उसको मैं फुलफिल कर दे रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1 से 2 या फिर 2 से 3 2 घंटे का स्टडी प्रोग्राम रखूंगा मैं, और इसमें क्या करने वाला हूँ, जो मेरा रिविजन पार्ट था वो करने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी के टाइम मेरे को काफी ज्यादा नींद आ जाती है, तो मैं इसको इस टाइम में फुलफिल करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि स्टैंड अप होके, मतलब कि खड़े होके अपनी स्टडी करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड है यहाँ पर रिविजन करूंगा लिख लिख के। तो करते हैं, मार्केट से आ चुका हूँ, और सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं आपको सिनेमैटिक स्टोर ज्यादा नहीं दिखा पाया, क्योंकि मार्केट में 2-4 काम मेरे और भी थे, तो मैं उसमें उलझ गया था एक तरह से, तो मैं आपको ज्यादा दिखा नहीं पाया, लेकिन कोई नहीं। लेकिन मैं यार मार्केट में गया था, वहां पर एक चीज मैंने नोटिस किया कि अभी जो बहुत सारे बंदे हैं दिल्ली में अभी मास्क वेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बंदे जो नहीं कर रहे। मैंने मार्केट में खुद देखा है चीज, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार ऐसा मत करो, अभी कोरोना गया नहीं हमारे देश से, तो प्लीज मास्क वेयर करके रखो। और दिल्ली में तो यार स्ट्रिक्ट रूल भी लागू हो रखा है कि 2000 रुपये जुर्माना है, तब भी कुछ लोकेलिटीज में देखा जा रहा है कि वहां पर अभी बंदे जो है अवेयर नहीं है इन सब चीजों से। तो प्लीज यार ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहा है कि आप मास्क वेयर कीजिए, और मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा है कि कोरोना स्प्रेड ना हो, मेरे तक ना आ पाए। तो आई होप आपको आज की व्लॉग में काफी अच्छा लगा होगा, जो पार्ट अच्छा लगा है प्लीज मेरे को बताना जरूर कमेंट में, क्योंकि स्टार्टिंग कर रखा है, मेरे को काफी फीडबैक मेरे को काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो प्लीज यार फीडबैक जरूर देना मेरे को। तो आज के व्लॉग में इतने ही, मिलते हैं आप सभी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।